आज देख रहे हैं कि थोड़ा सा जेलस की भावना है आपके मन में अंदर, ऐसा क्या होता है कि आपको जेलसी फील हो रही है आज? एक्चुअली हम लोग यहाँ पे शांति से डिनर करने के लिए आए हैं, लेकिन नंदिनी के एक लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड दीवाने मिल जाते हैं जो फिर से उन्हें पटाने की कोशिश करते हैं, और मॉली इज ट्राइंग टू फिक्स देम अप एंड आई एम लाइक व्हाट द हेल, क्यों करने की कोशिश कर रही थी मैं से और वो अपनी उन्होंने बड़ी बड़ी टीम में आ कर आई अपने फिल्म राइटर हूँ, मैंने ये फिल्में लिखी हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वो मैंने फिल्में देखी कई बार और मुझे बहुत पसंद आए. सो आई एम लाइक लिटिल जेलस की कहीं नंदिनी यू नो उसके साथ ना चले जाए, बिकॉज ऑब्वियसली कुणाल कहीं ना कहीं नंदिनी को चाहने लगा है और वो नहीं देख सकता उसको किसी और के साथ. सो ही इज़ गेटिंग जेलस एंड इन द एंड दे बोथ आर डांसिंग ऑल्सो, मी एंड मॉली आर डांसिंग, बट कैसे तैसे करके मैं उसे यहाँ से रफा दफा करता हूँ और उन दोनों लड़कियों को यहाँ से लेकर चला जाता हूँ. तो ये कहीं ना कहीं जो इनिशिएटिव है मॉली ने लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको मॉली के ऊपर थोड़ा सा नहीं लगा या क्या? मुझे गुस्सा पूरे सिचुएशन पे आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है और जेलसी हो रही है कि नंदिनी को क्यों फिक्सअप किया जा रहा है किसी के साथ. और वैसे भी वो जो लड़का है वो बहुत फिल्मी टाइप है, नंदिनी बहुत घरेलू टाइप से है, तो दोनों का कोई मैच नहीं बनता, तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है वो लड़का. मतलब वैसे भी पसंद होगा तो भी पसंद नहीं है, मैं किसी को देख ही नहीं सकता नंदिनी किसी और के साथ. सो दैट्स व्हाट कुणाल्स स्टेट ऑफ माइंड इज राइट नाउ. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू.